बिहार में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस तमाम प्रयास कर रही है। लगातार छापेमारियां की जा रही है, गश्तियों को बढ़ाया गया है और तमाम जो स्पेशल टास्क फोर्स है वो गठित कर दिए गए हैं। और उसके बाद जो बिहार पुलिस की उपलब्धियां हैं, जो अपराधियों पर अंकुश लगाने में, बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने में उसका ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ा है। यानी कि बिहार पुलिस की सफलता जो है वो पिछले 3 वर्ष यानी कि 2020, 21 और 22 की बात करें तो उनकी सफलता जो है वो लगातार ऊपर ही उठती जा रही है। इसको लेकर आज पुलिस मुख्यालय में ADG JS गंगवार ने तमाम जानकारियां साझा की है। क्या कुछ कह रहे हैं ADG, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। जैसा कि मैं आपको एक आंकड़ा देना चाह रहा हूं, पूरे वर्ष 2022 में हमारी जो उपलब्धियां थी, पिछले बार हमने आपको उपलब्धि बताई थी पूरे STF की, अब मैं पूरे राज्य पुलिस की उपलब्धि बता रहा हूं और 2022 में कितनी हुई, और साथ ही साथ मैं 2020 और 21 के भी कुछ आंकड़े बताऊंगा, बाकी आंकड़े आपके प्रेस नोट में। गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या वर्ष 2020 में लगभग 1,72,000, 2021 में 1,97,000 यानी कि 14% की वृद्धि हुई 2020 से 21 के कंपैरिजन में, और 1,97,000 करीब अपराध कर्मी अभियुक्त गिरफ्तार हुए। वर्ष 2022 में यह संख्या बढ़कर के 3,46,000 और इसमें 75% की वृद्धि हुई है 2022। इसमें ज़्यादातर अपराधी जो है मद्य निषेध के कांडों में, जो हमारी लगातार कार्रवाई है, हर महीने हम आपको बता रहे हैं कि कार्रवाई बढ़ रही है, वो भी इसमें शामिल है। अगर कुख्यात अपराध कर्मियों की बात करें तो वर्ष 2020 में 6,838, 2021 में 9,071, 32% की वृद्धि, और 2022 में भी इसमें वृद्धि हुई है 9,116 कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी। वैसे तो फिरौती हेतु अपहरण के कांड काफ़ी कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट नगण्य हैं, शून्य हो गए हैं, बहुत कम ऐसी घटनाएं अब देखने को मिलती हैं, फिर भी उनके जो पुराने अपराध कर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी जो बची हुई है हम लोग करते हैं। 2020 में ऐसे फिरौती हेतु अपहरण के पुराने कांडों में 27 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, 2021 में संख्या बढ़ करके 38 हुई और 2022 में और बढ़ करके 40 फिरौती हेतु अपहरण के अपराध कर्मियों को हमने गिरफ्तार किया। बरामद जो इलीगल वेपन है, अवैध आग्नेयास्त्र हैं। सीधे तौर पर ADG गंगवार ने ये तमाम आंकड़े दिए हैं और बताया है कि बिहार पुलिस जो है वो लगातार पीपल फ्रेंडली हो रही है और लगातार अपराधियों पर अंकुश लगाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही, और लोगों के सहयोग से और बिहार पुलिस की सतर्कता से जो बिहार में बढ़ते अपराध हैं उस पर लगाम लगाने में हम सक्षम हो पाए हैं और हमारा जो उपलब्धियों का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा, और आने वाले समय में हम बिहार को अपराध मुक्त बनाकर ही दम लेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें द SG News के साथ और देखते रहें द SG News।